और जानकार इसे एक बड़ी कूटनीतिक विजय मान रहे हैं भारत के लिए। लेकिन देखना यह होगा न्यूयॉर्क में जब अगले महीने प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसके बाद वहां पर कैसे तस्वीर बदलती है और बात आगे बढ़ती है। हम रुख करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारतीय जवानों ने घंटों चली मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकी उत्तरी कश्मीर के क्रुम्भोरा इलाके में छिपे हुए थे। सुरक्षा बल अब इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस ऑपरेशन को राज्य पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। हालांकि आतंकी किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं इस पर अभी जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हो सकते हैं। तो पिछले कई घंटों से ये मुठभेड़ लगातार चल रही थी। आपको देखिए इस नक्शे के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हंदवाड़ा कुपवाड़ा के करीब ये इलाका, और जंगलों में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि जो आतंकी थे जिनसे मुठभेड़ लगातार चल रही थी उन्हें मार गिराया जा चुका है 3 आतंकियों को। लेकिन कहीं ये और ज्यादा संख्या में तो नहीं थे, इसको देखते हुए सेना पूरी एहतियात बरतते हुए चौकस और इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। बीते कुछ दिनों में कैसे जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुए हैं, एनकाउंटर हुए, उसकी जानकारी आपको दें। 11 अगस्त 2015 को पुलवामा में मुठभेड़ में आतंकी ढेर किए गए लश्कर के ये 2 आतंकी थे। अगस्त में जो घटनाएं सामने आई वो आपको बता रहे हैं, 11 अगस्त 2015 की ये घटना, हाल ही में जो मुठभेड़ हुई है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसके अलावा 6 अगस्त 2015 को पुलवामा के काकापोरा इलाके में मुठभेड़ हुई और इसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया। 5 अगस्त 2015 उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला हुआ, 1 आतंकी ढेर, जबकि 2 जवान शहीद हुए और आतंकी नवेद पाकिस्तान का जिसे जिंदा पकड़ा गया इसी हमले के बाद। चिरडी गांव से नवेद को पकड़ा गया ग्रामीणों की मदद से। वहीं 4 अगस्त 2015 को श्रीनगर में हिजबुल के 4 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब खबर राजधानी दिल्ली की, जहां बीती रात रंगदारी ना देने पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। स्कॉर्पियो सवार 8 बदमाशों ने देर रात तकरीबन 3 बजे राजू नाम के प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जब वो सादिक नगर रेड लाइट के पास से गुजर रहा था। राजू की मौके पर ही मौत हो गई। राजू के सिर में 3 गोलियां लगी। हत्या कर भागने के चक्कर में बदमाशों की गाड़ी दीवार से टकरा गई जिसके बाद 5 बदमाशों को पकड़ लिया गया। इन बदमाशों में दीपक पंडित नाम का भी एक बदमाश शामिल है जिसकी काफी समय से पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने बदमाशों की कार से अंग्रेजी पिस्टल, लाठी और डंडों के साथ कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए, जबकि गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से 4 विदेशी पिस्टल भी मिले हैं। राजधानी दिल्ली की ये घटना है जो उस वक्त आपको हम बता रहे हैं, मौके से देखिए जहां पर ये घटना हुई उस दौरान वहां पर कारतूस सड़क पर पड़े नजर आए। इसके अलावा पुलिस ने विदेशी पिस्टल बरामद किए। स्कॉर्पियो में सवार होकर 8 बदमाशों ने देर रात तकरीबन 3 बजे राजू नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग की जब वो सादिक नगर रेड लाइट के पास से गुजर रहा था। राजू की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इसके बाद ये बदमाश यहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन इसी दौरान इनकी गाड़ी एक दीवार से टकरा गई जिसके बाद 5 बदमाश पकड़ में आ गए। इनमें सबसे अहम दीपक पंडित नाम का बदमाश है जिसकी तलाश पुलिस को काफी वक्त से थी। डंडे पंडे पड़े हैं। नहीं नहीं यार भाई। राजू की पत्नी स्वाति कनेगा के मुताबिक राजू को पुलिस ने चेकिंग के लिए यहाँ भेजा था। ग्रेटर कैलाश इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से फरार बदमाशों की गाड़ी जो है वो ठीक इसी जगह पर, ये जो रास्ता बंद है यहाँ पर दीवार से गाड़ी जो है वो जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि 5 बदमाशों को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी जो है यहाँ पर दीवार से टकराई, जिसकी वजह से बदमाश जो हैं वो यहाँ से भागने लगे और उसके बाद ही
पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्रेटर कैलाश की रेड लाइट पर इन बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर, राजू नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी। करीब 8 राउंड गोलियां चलाई गई। उसके बाद ये बदमाश जो है वो वहां से भागने लगे। तभी पुलिस को इस बात की भनक लगी, पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा किया और जिसके बाद बदमाशों की गाड़ी जो है वो यहाँ पर जाकर टकरा गई। अगर इस पूरी गाड़ी की बात करें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर जो है बदमाशों के सामान जो है, हालांकि बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त बदमाश पकड़े गए उस समय गाड़ी में कुछ पिस्टल भी पुलिस को बरामद हुई है, साथ ही साथ कुछ डंडे थे जो कि पुलिस को मिले हैं। फिलहाल यहाँ पे बदमाशों के कुछ सामान जो हैं वो रह गए हैं। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि इस बाबत अभी इस पूरे मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी और बाकी है जिसकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, करीब 2 बजे के आसपास ये बदमाश जो हैं इसी स्कॉर्पियो गाड़ी से आए हैं। जीके की रेड लाइट पर इन बदमाशों ने सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर की बाइक को हिट किया है। हिट करने के बाद जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर गिरा है उसके बाद इन बदमाशों ने उसे उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसके बाद वहां से ठीक इसी रास्ते से वो फरार होने लगे। तभी पुलिस को इस बात की भनक लगी, इन्हें इस बात का डर था कि पुलिस इनके पीछे है। जब रात के वक्त इन्हें ये रास्ता नहीं दिखा और इस दीवार से जाकर गाड़ी जो है वो जा टकराई। फिलहाल पुलिस का यही कहना, इस पूरे मामले की जाँच की जा रही, हालांकि शुरुआती जांच के बाद ऐसा लग रहा है कि यह पूरा मामला आपसी रंजिश का है।